हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वागत है आपका सरफराज डेली में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के मार्च 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड 92.37 रुपीज़ पर कंपनी रेट कर रही है, और आज की डेट में कंपनी ने 16% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो अगर एक हफ्ते का हम चार्ट देखेंगे 1 वीक का, तो 4.68% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देख सकते हैं 14% का अच्छा खासा रिटर्न है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 59% का अच्छा खासा रिटर्न है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 110% का रिटर्न है, जो कि डेटा 2022 से है, 2022 से 24, यानी 2 साल में 110% का अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने दिया है अभी तक। वहीं अगर हम बात करें किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स कंपनी बनाती है। 5,581 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक अभी 677 पर रैंक कर रहा है। स्टॉक 3.4x वॉलेटाइल है निफ्टी के। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड इज एन इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग एंड सेल्स ऑफ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज DAP, ओके, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाती है ये कंपनी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रदीप फॉस्फेट तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी बनाती है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.16 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 है, यानी कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 3.76 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1.59 है, जो कि सेक्टर के अंडर में है, तो ये एक पॉजिटिव है बात है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 56% की अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड की इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 20% की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.28% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1.63, और रिटेल की है 17.68% की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर के क्वार्टर में 17% था, इस बार 20.32 है, जो कि एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव पॉइंट्स है। म्यूचुअल फंड अपनी जो है हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। म्यूचुअल फंड उसी में इन्वेस्ट करता है जो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इनकी वेबसाइट देख लेते हैं, तो वेबसाइट हम देखेंगे screener.in के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप देखेंगे pradeepphosphates.com, ये वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखती है। वेबसाइट में आप देखेंगे अबाउट अस, इन्वेस्टर, आवर कैपेबिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स भी इनके मिल जाएंगे, तो ये ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये सारी चीज़ें, भारत DAP, भारत NPK, भारत NPK, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू screener.in हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स, तो सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो मार्च के क्वार्टर में अगर आप देखें तो 3,644 करोड़ का जो सेल्स है इनका, वो मार्च 2024 के क्वार्टर में हो गया है 2,243 करोड़ का। तो अराउंड 1,400 करोड़ का जो है वो कमी आई है इस बार में, डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 91 करोड़ का था, जो कि इस बार हो गया है 148 करोड़ का। रीज़न क्या है बढ़ने का? रीज़न सिंपल सा है, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम कर दिया है। जो इनका 3,553 करोड़ का जो एक्सपेंस था, वो इनका इस बार 2,095 करोड़ का ही है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार 22 करोड़ का है। तो पिछले मार्च 2023 के मुकाबले इस बार इनका रिजल्ट, सेल्स भले कम हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है, और रिजल्ट रीज़न है कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट है, आप कह सकते हैं कि उतना ख़राब रिजल्ट नहीं आया है। वहीं अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का परफॉर्मेंस काफ़ी लो है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है एंट्री पॉइंट के लिहाज से, ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कोई भी रेड फ्लैग फिलहाल इस कंपनी पर नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के मार्च 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो वीडियो में मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया और नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जय हिंद।